जैसे कि आ चुके हैं फ्रेश वीडियो के साथ। और तो गाइस आपको वीडियो की स्टार्टिंग कैसी लगी, आई होप आपको वो वाली वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी लगी होगी। अगर तो यार आपको वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे। फिलहाल यार गेम प्ले की बात करें तो मैं आया था यार लिपोका की साइड, और यहाँ पे यार मेरे को गन की जरूरत थी ऑटो वेपन की। और यार ये वाला मैच देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट था, बिकॉज ऑफ इसमें यार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब मेरा टीममेट नॉक पड़ा होगा और वहाँ पर तुम्हारा भाई क्लच पे क्लच मारेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जितने भी बंदे उतरे थे लिपोका में तो यहाँ पे क्लियर मारना था। अब यार ये वाला जो बंदा होता है इसे तो यार मेरा टीममेट ट्रोल करने लगता है। अब यार यहाँ पे मैं सोच रहा था इस वाले बंदे से बात थोड़ा करूँ, और क्योंकि मैं सोच रहा था इसे छोड़ने को, और ये माइक ऑन करता ही नहीं है, तो इसलिए यार मेरे को मतलब इसके टीममेट को भी मजबूरन मारना पड़ता है। फिलहाल यार उसके टीममेट की बारी थी, जो कि मुझे मतलब बंदा दिख जाता है जो कि होता है वॉल के पास। अब यार इसे क्लोज रेंज करके मारना था, तो वो वाला बंदा क्या दिमाग लगाता है, वॉल के पीछे होता है और कर देता है एक मोली। और उससे पहले यार इस वाले बंदे पे रस मार देता हूँ। अब सोच सकते हो मतलब यार इसके हाथ में मोली है और उसी टाइम इस वाले बंदे पे रस मारोगे, तो यार जाहिर सी बात है इसके हाथ में ना वेपन है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मोली है, तो जाहिर सी बात है यार मेरे जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो इसलिए मैं फटाफट उस पे बंदे पे रस मार देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे यार दो बंदे के साउंड्स आते हैं, जो कि भाई इस वाले बंदे को तो नॉक कर देता हूँ, जो कि भाई आरपी वाला बंदा होता है। फिलहाल अब इसके दूसरे टीममेट की बारी थी, जो कि यार जस्ट आगे वाले घर में ही होता है, मेरे को पता था वो अपने टीममेट को रिवाइव देने ज़रूर से आएगा। अब मैं यहाँ पे सोचा था यार एकदम आगे है तो क्यों ना एक नेट ट्राई किया जाए, यार नेट तो करता हूँ बट मेरे को नहीं पता कि उसे डैमेज हुआ है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि वो पीछे भाग गया था। और यहाँ पे आते हैं एक अपने कीड़ी के देवता, जिन्हें कि यार मैं टोटली फिनिश मार देता हूँ। अब यार इसके टीममेट की बारी थी, जो कि यार मतलब अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए आता है, तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने मतलब अपने सोच से इसे रिवाइविंग देने दिया आई मीन इसे लॉबी में पहुँचा दिया कि भाई जा तू दूसरे टीम अपने टीममेट के साथ खेलियो, फिर वहाँ पे जाके रिवाइव खेल लियो। फिलहाल यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हो गई। अब यहाँ पे यार उसे भी लॉबी में पहुँचा देते हैं, कुछ केड़ी के देवता आते हैं जिन्हें कि यार मैं मतलब मार देता हूँ। और फिलहाल यहाँ पे तुम देख सकते हो यार तुम्हारे भाई के 6 किल हो जाते हैं, और ये वाला बंदा तो मतलब कैसे बचा। अब यहाँ पे देखो यार कैसे इस वाले बंदे को भरते हैं, मेरे को पता था जरूर से जरूर पेड़ के ही कवर में जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि यार इसे कवर लेना था, और यार वैसे भी मैं ओपन में था, ज़्यादा चांसेस मेरे थे पिलने के, और ये थोड़ा सा घबराया हुआ अभी था क्योंकि जैसे मैं गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ा के ले गया तो भाई मतलब बच कैसे गया, पहले तो यार मैं ये सोच रहा था। अब यहाँ पर यार मतलब बहुत बुरी तरीके से इसकी पेटी लूटता हूँ जितनी भी इसने लूट की होती है। अब मैं जा रहा था यार सीधा पोचंकी की साइड, क्योंकि यार पोचंकी से भी प्लेन पास जाया होता तब ये वाला बंदा दिखता है, आई मीन्स अपने केड़ी के देवता दिखते हैं, तो यार इन्हें तो भाई कौन ही छोड़ेगा, समझ रहे हो ना गाइस। अब यार मतलब अपनी केड़ी तो यार सभी को बढ़ानी है। फिलहाल अब मैं आता हूँ अपार्टमेंट की साइड, क्योंकि यार यहाँ से कुछ ज़्यादा ही फायरिंग आ रही थी और कुछ ऊपर बंदे होते तो मैं सोचा था क्यों ना पहले ऊपर वाले बंदे को पकड़े जाए, तभी यार अपार्टमेंट की तरफ से फायरिंग भी होने लगती है। तो यार देखो यार ऊपर भी बंदे हो और अपार्टमेंट से भी फायरिंग आई है, तो देखो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पे 1 HP है, तो बताओ गाइस यहाँ पे क्या मैं सर्वाइव कर पाता हूँ। फिलहाल यार यहाँ पे तो मैंने हील लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था यार मेरे पे 1 HP है, और इनफैक्ट मेरा टीममेट भी नॉक पड़ा है। यार ऐसे चीज़ों में हमेशा मैं माहिर हूँ, अगर मेरा टीममेट नॉक पड़ा हो और 1v1 का सिचुएशन हो तो जस्ट बिकॉज यार तुम्हारा भाई जीतेगा। और अब यार यहाँ पे मैं स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि अगर तो मेरे टीममेट को कहीं से और से पड़ गई तो यार एक ही बार में नॉक हो जाएगा, तो यार यहाँ पे इसलिए मैं स्मोक कर देता हूँ। अब बारी थी यार अपार्टमेंट वालों की, जिन्होंने मेरे बगी के टायर फोड़े थे, और यहाँ पे स्पोर्ट कर रहा होता हूँ तभी यार उसका एक टीममेट दिखता है, जिसे कि यार मैं स्प्रे तो मारता हूँ बट यार वो बच जाता है। और ये वाला स्प्रे देखो और जस्ट वीडियो को लाइक ठोक दो, मतलब यार क्या ही स्प्रे मारा है। अब यार यहाँ पे मैं सीधा रस मार सकता था, क्योंकि यार मेरी हेल्थ भी थोड़ी बहुत कम थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हेल्थ रिकवर करता हूँ। और
तभी यार मतलब उसी अपार्टमेंट में दूसरी टीम भी आ जाती है, तो यार मैं सोचता हूँ क्यों ना इसी का फ़ायदा उठा के और क्योंकि रस मार दिया जाए। और देख रहे हो यार अभी अभी किल फिट में जिस बंदे को अभी नॉक किया है और उस वाले बंदे को रिवाइव होके मतलब उसके टीममेट ने रिवाइव दे दिया, फिर से वो नॉक हो गया। और सोच सकते हो यार मतलब यहाँ पर दो टीम आ चुकी हैं। अब बारी थी यार अंधा रस मारने की, क्योंकि मेरे को पता है कि ज़रूर सी है कि भाई डैमेज तो होंगे, तो यार देख लिया यार इसका ये फ़ायदा होगा। अगर आप कभी भी देखोगे तो गाइज अगर मतलब बंदे आपस में लड़ रहे हो, अगर तुम थर्ड पार्टी करने जाओ तो यार कभी भी ऐसे टाइम पे जाना जब मतलब वो आपस में लड़ रहे हो, ना कि अगर तुम बीच में घुस जाओगे तो यार जाहिर सी बात है तुम्हें ही पेल देंगे। फिलहाल यहाँ पे बाहर से एक बंदा आता है जो कि यार अपने कीड़ी के देवता होते हैं। अब यार इन्हें तो बजा दिया। बारी थी यार जो बगी से अभी अभी आए थे, और आप सोचो यार ये रैंडम फायर क्यों किया था, क्योंकि यार मेरे को पता था यार बगी वाले ऐसे तो रुकेंगे नहीं, और अगर तो मैंने फायरिंग कर दिया तो इन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे बंदे हैं, तो इस वजह से वो रुकेंगे फ़ाइट लेने के लिए, अगर तो वो फ़ाइट लेना चाहते हैं तो। फिलहाल यहाँ पे वो बंदे रुक तो चुके थे। अब यहाँ पे मैं सोचा था यार क्यों नहीं नेड़ वेड़ ट्राई किया जाए, एक दो बंदे को ठिला देंगे तो यार एक ही बंदा बचेगा तो इसे इजी भर देंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब साइंस वाइंस का दिमाग लगा के एकदम बढ़िया वाला यहाँ पे नेड़ की ट्राई कर रहा था। बस मेरे को लग रहा था यहाँ पे बंदा हुआ तो यार ज़रूर से पीला जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे तो बंदा नहीं था, इतना तो कन्फर्म हो गया था। अब मैं सोचा था अगर वो जीने पर बैठा होगा तो यार यहाँ से तो ज़रूरी पील जाएगा, तो यार इतना तो कंफर्म हो गया कि यार जीने की साइड में तो कहीं भी नहीं है। तो एक बार वो ट्राई मारता हूँ, अगर नेट से बच गया तो यार मूली एक बार ही टच हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो पी ली जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं मूली करता हूँ सेकंड फ्लोर पे। अब यार यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे करता हूँ यहाँ पे मूली, और यहाँ पे कर दिया है वो, क्योंकि मेरे को अब लग गया है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और कंफर्म है कि मतलब जीने पे तो कोई भी नहीं है। अब सीधा हो ना हो कमरे में ही होंगे जाहिर सी बात है। अब यार इतना सब मैंने दिमाग लगाया, तभी एक बंदा बाहर से आता है, मेरे को लग रहा है यार उसका ही टीममेट होगा, बट ये वाला बंदा तो यार अंधा ही भागे जा रहा था। अकेले मत जाओ। यार इस वाले बंदे को क्या ही बोलूं, बस मतलब अंधा ही भागे जा रहा है, रुकेगा ही नहीं। अब यार यहाँ पे मैं समझ चुका था वो वाले बंदे किधर हैं, ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। और भाई ऊपर जाते जाते भी डिसाइड कर ही रहा था, मतलब कंफर्म कर रहा था कि भाई क्या पता वहाँ पे जीने पे बंदा हो तो यार जैसी बात है मर जाएगा। अब मेरे को कंफर्म हो चुका था कि हो ना हो इस वाले कमरे में, जो कि जहाँ पे मैं नेट करने वाला हूँ, और क्योंकि यार स्मोक भी हुआ था तो यार कंफर्म तो था ही कि उसी वाले में बंदे। और तभी यार बैंडेज लगाता है एक बंदा, ये होती है अंधी फायरिंग। अगर तो यार बंदा आपको स्मोक में दिख नहीं रहा तो जाहिर सी बात है यार वहाँ पे प्री फायर करो, दबा के प्री फायर करो, बस साउंड सुनो। भाई मेरे को मतलब लिटरली बताऊँ तो यार मेरे को पता नहीं था वो वाला बंदा किधर है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। बस मैंने अंधी गोली मारते गया, और एट द एंड यार एक बंदा तो चपेटे में आ ही गया, और फिर दूसरे को भी चपेट में ले ही लेता हूँ। अभी यार यहाँ से बारी थी निकलने की, क्योंकि यार मेरे को और भी ज़्यादा किल निकालने थे, क्योंकि यार आप देख सकते हो यार लाइव में मतलब बंदे हैं। और क्योंकि यार इस वाले मैच में सच बताऊँ तो यार मतलब मैं इतना किल के पीछे भाग रहा था, मैंने अलाइव पे भी गौर नहीं दिया। फिलहाल यार कुछ गाड़ियाँ जा रही होती है, कुछ क्या दो गाड़ियाँ जा रही होती है, जिन्हें कि यार स्प्रे मारता हूँ। और ये वाला स्प्रे देखो, यार ये वाले बंदे के लिए तो यार दिल से बुरा लगा, बेचारे यार इसे तो गाड़ी से ही उड़ा दिया। अब यार उसके दूसरे टीममेट की बारी थी, वो जैसे हमें देखता है तो वो फट से अपनी गाड़ी भगाने लगता है, और तभी यार दूसरी भी गाड़ी आती है। यार मैं एग्जैक्ट फायरिंग करने की बार बार कोशिश कर रहा था, तभी यार मेरा टीममेट पता नहीं किसके पीछे लगा देता है। अब यार देखो उतरते उतरते से फायरिंग दे ही रहा हूँ, अब ये देखो किसके पीछे लगा देगा बगी। लो मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब किसके पीछे लगा दिया। अब यार इस वाले बंदे को देखो कैसे भरते हैं, अब ये चला जाता अपने टीममेट के पास, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इसका टीममेट अभी भी इसके अंदर है, अभी जो कि अभी अभी क्लियर मार के आया हूँ। अब यार मेरे को लगा कि एक ही बंदा गया है तो एक ही होगा यार, इजी मतलब घुस के मार देंगे। फिलहाल मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो देखो यार यहाँ पे पहले मैं सोचता हूँ कि देखता हूँ डैमेज वैमेज पड़ा है कि नहीं। ओ
मतलब क्या ही यहाँ पे बचा। और इस वाले को मैं क्यों बोल रहा कि इसे डैमेज पड़ा है या नहीं, क्योंकि यार मेरे को पता था अगर ये गाड़ी से जब जा रहा था तभी यार मैंने इसे डैमेज दिया था, तो जाहिर सी बात है यार बैंडेज लगाएगा या फिर कुछ भी तो हील वील का सामान तो यूज़ करेगा ही, तो इससे मेरे को पता पड़ जाता है वो वाला बंदा किधर है, तो इसलिए उसे स्पॉट कर लिया और तुरंत ही वाले बंदे को ईजी भर देता हूँ। अब यहाँ से बारी थी यार निकलने की, क्योंकि यार यहाँ पे तो मतलब नहीं चाहता था कि और भी बंदे आपस में लड़ के मर जाएं, क्योंकि मैं चाहता था कि सारे के सारे किल मेरे को मिले। और आप गौर करो जिस वाले बंदे का पीछा कर रहे थे जिसे मैं डैमेज दे रहा था उससे पहले, अब वो वाला बंदा मतलब कहाँ होगा मतलब वो नहीं पता, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहीं पर देखा था। तो देखो और वो वाला बंदा कहाँ मिलता है मेरे को, जो कि दे रहा है यार अपना DP का स्प्रे। यहाँ पे मैं करता हूँ फ्री फायर, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं फ्री फायर नहीं दूंगा तो भाई पत्थर के कवर में जाते जाते ही लपेट देगा। फिलहाल यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट करे एक नेट कर देता हूँ, जिससे कि कोई फायदा तो नहीं होता बट एक चीज का फायदा हुआ जो कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब यार कुछ ही बुलेट्स में मर गया बिकॉज ऑफ यार इसे नेट का डैमेज पड़ गया और इससे जल्दी मतलब मर गया। और यहाँ पे यार मैं जाने की सोच रहा था और तभी यार मेरे को बंदे स्पॉट होते हैं, आई मीन साउंड आते हैं। अब यार यहाँ पे रुक जाता हूँ, मेरे को कंफर्म नहीं है कि बंदा है किस में, और मेरे को लिटरली बताऊँ तो यार बस इसी वाले घर से साउंड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई जितने भी नेड़े मेरे को दे दे, क्योंकि यार मेरे इतने किल हो चुके हैं। अब यार मैं उसके फुट स्टेप को गौर करते मतलब फॉलो कर रहा था कि भाई वो किधर गया है किधर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं नेड भी एग्जैक्ट कर रहा था। अब मैं समझ चुका था वो बंदा किधर है। अब ये वाला नेड देखो और जस्ट मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यार मैंने उसके मतलब फॉलो करता गया, फुट स्टेप फॉलो करता गया। और एट द एंड इस वाले बंदे को मैं देख लेता हूँ, मतलब साउंड से मतलब पहचान लेता हूँ कि भाई यहीं पे ही हो सकता है, और ये अकेला ही होता है। और क्योंकि यार ये नॉक हुआ है तो जरूरी सी बात है यार इसका टीममेट तो होगा ही होगा। अब यार यहाँ से मैं सोचा था निकलने की, तभी मेरा टीममेट कहता है यार कि मतलब आगे वाले स्क्वाड हाउस में भी बंदा है, और तभी फायरिंग भी करता है जो कि होता है इस कारल की। और देखो यार वो वाला बंदे को कैसे भरते हैं, वो चढ़ा होता है एकदम टॉप पर। भाई यार मतलब क्या ही गंदी मौत हुई, मतलब यार ऐसे थोड़ी ना होता भाई। और इसी का टीममेट होता है जिसे मैं अभी मारता हूँ, और भाई मतलब क्या ही मतलब थ्योरी लगा रखी थी, तू वहाँ पे रह मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आते हैं रोजो की हील पे, और ये वाला मतलब स्प्रे तो आई होप आपको ये वाला स्प्रे पसंद आया होगा। तो यार मेक श्योर आप मतलब एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिलहाल यहाँ पे स्कॉट करने वाइप करने के बाद स्क्वाड बोले तो यार टीम वाइप करने के बाद, अब यहाँ पे मतलब दोनों को तो यार इजीली भर दिया, मतलब क्या ही भरा। और यहाँ पे यार मेरे को अच्छे खासी लूट भी मिल जाती है, और यहाँ से उठा लेते मैं M249। अब यार यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है जो कि होता है जस्ट आगे सांप बना हुआ, मेरे को पता नहीं है कि वो किधर है, बट मैं यहाँ पे स्पॉट करने के लिए गाड़ी में बैठ जाता हूँ और देखो कैसे स्पॉट करता हूँ उस वाले बंदे को। आपको दिख गया होगा थोड़ा सा, और जैसे यार दिखो भाई तुरंत AWM का एक हेड शॉट भाई सीधा उड़ा दिया उसका खोपड़ा, जिसपे होता है यार MK। बारी थी यार मेरे को मतलब इतना गुस्सा आ गया था यार, इससे बदला लेने की बारी थी। फिलहाल मेरे को डैमेज देते हुए एक बे ग्रोजा है और एक एक पे है M416। फिलहाल फिलहाल यार एट द एंड इस वाले बंदे को मार ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था। और सही बताऊँ तो ये लुलपुल लग रहे हैं, बट यार इसी ने ही AWM चला के मारा होता है। और आई होप ये वाला आपको गेम प्ले पसंद आएगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो बताना गाइस आपको वीडियो में क्या कौन सी पार्ट अच्छी लगी। और क्योंकि यार मैंने KR वर्जन का 25 किल का हाईएस्ट गेम प्ले डाला है, तो मेक श्योर आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा। क्योंकि अगर तो यार पसंद आया तो बस यार और कुछ नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।